एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सब थंबनेल देखकर ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आराध्या को सुबह सुबह कहाँ भेज रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आराध्या के स्कूल में आज फंक्शन है और वो बनी है वहाँ पे एक एंजल, तो उसको तैयार कर रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है ये। और फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको तैयार कर दिया है और मैं नहा धो के फ्रेश हो के, मतलब पूजा पाठ मैंने सब कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स पुताई का काम चल रहा है। और बीच में कई दिन, मतलब हफ्ते भर से छुट्टी कर ली थी इन पुताई वालों ने, और मतलब अब मुझे नहा धो के दोबारा से फिर झाड़ू पोछा करना है और सारा, मतलब पूरा आंगन फैला के गए हैं, और फिर दोबारा से करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा लाइक कीजिएगा। तो चलिए, अब मैंने दोपहर का लंच तो बना ही लिया है और बस जा रही हूँ बाहर धोने के लिए। पहले तो मैं उसे झाड़ू से करूँगी, पहले सीखो वाले झाड़ू से करूँगी मोटा मोटा कूड़ा, उसके बाद फूल झाड़ू से करूँगी। और चलते हैं, और मैं थक भी बहुत गई हूँ क्योंकि मेरी कमर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरी कमर से कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता ही है जब कोई नहीं है। तो चलिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ और फिर बात करेंगे।
होती है, और अगर घर बनता है तो ऐसे काम तो बहुत ही ज़्यादा फैल ही जाता है। अगर छोटा सा काम भी करवाते हैं ना हम घर में इस तरीके का, तो बहुत काम फैलता है। और मैं अकेले ही सारा कर रही हूँ क्योंकि ये चले गए हैं, तो बस सारा काम फिनिश करके अब देखिए मैं वाइपर भी कर रही हूँ। एक बार वाइपर से अच्छे से पानी साफ़ कर दूँगी और उसके बाद पोछे से भी सुखा दूँगी, ताकि मैं सोच रही थी कि बच्चे जब तक आए ना तब तक मैं सारा साफ कर दूँ, क्योंकि बच्चे अगर आ गए और ऐसा देख के ना फिर उनको और भी मस्ती चढ़ती है, तो मतलब अगर बाहर का साफ़ नहीं होगा तो फिर अंदर तक गंदगी जाएगी। तो इसीलिए ना मैं सारा वाइपर से देखिए साफ़ कर दी, फर्श भी एकदम चमक रहा होगा आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बाहर का मैंने सारा धो दिया है, सब कुछ क्लीन कर दिया है और मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ। आज बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि आज से उनकी हो जाएंगी छुट्टियाँ स्टार्ट। और मतलब मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया क्योंकि बहुत बड़ा आंगन है, मतलब तो उसे ना पहले झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद सारे में धोया है, फिर मतलब सूखा पोछा भी मैंने मारा है सारे में। तो बस इतना सारा करके ना मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और मैंने एक लंच तो बना ही लिया था, दाल चावल, लेकिन ये जो आराध्या ना हमारी, या मतलब चावल नहीं खाती है, इसको पराठे ही चाहिए होते हैं। बस अभी 2:15 हो गए हैं और आने ही वाले होंगे बच्चे, तो जब तक नहीं आ रहे तब तक ही लेट रही हूँ। पर मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बस थोड़ी देर लेट के फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। सच में फ्रेंड्स, पोताई में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हो गया तेरा फंक्शन? देखो मम्मी, मुझे दर्द। चलो लाइट जला ले, अंधेरा हो रहा है। पोताई वाले कर चुके तो गए हैं, मैंने साफ कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं रेस्ट करती हूँ और रात भी हो गई है। खाना वाना हमने सब कुछ खा लिया है। और फ्रेंड्स, मैंने आज काजल लगाया था लेकिन मेरी आंखों में ना काजल एकदम मतलब बाहर निकल जाता है जब भी मैं नील लगाती हूँ, आँखें एकदम काली काली हो जाती है यहाँ से। और बस अभी आप सबसे लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ आऊँगी, और तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और बस अब करते हैं बाय बाय, गुड नाइट एवरीबडी।